आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गए, मौसी मासी हो गई, चाचा चाचू हो गए, जीजा जीजू हो गए, पति हबी हो गए, लेकिन मजा ले किसी ने बीवी शब्द के संग छेड़खानी की होगी। मुझे ये बताओ कि तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा? कुछ भी नहीं, बस बचपन से शौक थे कि बड़े पंगे लूं। देखो जी, काम करते टाइम ना मेरे किसमिस ना किया करो। मैडम जी, अच्छी तरह से समझा दो, मैं तो बोल बोल के थक गई। अंग्रेजी बोले के तो हमारा आदत छूट गई। कल एगो चाय वाला के दुकान पर जाके कहनी कि भैया गिव मी टू कपटी, तो कहत रहे तू कपटी, तोर बाप कपटी, तोर पूरा खानदान कपटी। अब ऐसा का गलती कर देनी है। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों के बीच जो रोजाना झगड़ा होता है वो मेरी गलतियों की वजह से होता है, तो अब मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें आगे से कभी भी झगड़ने का मौका नहीं दूंगा। ऐसा है, हम तुम्हारे दिए मौकों के मोहताज नहीं है। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले, तो घी को गर्म करो। हर बात में उंगली करना अच्छी बात नहीं होती। नो बता, दारू पी के आदमी सच बोलिया करे ने? हाँ, क्यों, क्या हो गया? ठीक से तो आज तू दारू पी, मने तेरे ताज घने सवाल करने से। सुनो, अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगी? आधी रकम लूंगी और हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। 1,000 की लॉटरी लगी है आज, ये ले आधी रकम और निकल यहाँ से। ए जानू, चल झाड़ू मार। मैं नहीं मारूंगा। मैंने बोली झाड़ू मार। मैं नहीं मारूंगा। आखिरी बार बोल रही हूँ, झाड़ू मार। ठीक है, तुम बोल रहे हो सिर्फ इसीलिए मार रहा हूँ। हेलो हेलो भाई। हाँ भाई। कैसा है भाई? एकदम औसम ब्रो, अपने बता। एक तो काम था भाई। कर ले, बाद में बात करते हैं, बाय। ये सब्जी जो तुमने बनाई है इसका नाम क्या है? अरे क्यों पूछ रहे हो? अरे मुझे भी तो ऊपर जाके जवाब देना पड़ेगा, क्या खा के मरे थे? वो तो कुछ कह रही थी ना सवेरे। मैं माइंड चेंज कर लिया। ओके, ते नवा ठीक चल रहा ये बार बार खाली साबुन से हाथ धोने से तो अच्छा है साथ में दो दो बर्तन भी धो दिया करो।